परेशान हो जाते हो, यस और नो? क्योंकि आप बोलते हो मुझे बैक्टीरिया फ्री होना है, बट सच ये है कि आपके लिए अंदर बैक्टीरिया होना, इसका मतलब होना जरूरी है, बट हार्मोनी होना, आपको एनिमल वर्ल्ड भी चाहिए नहीं चाहिए, प्लांट वर्ल्ड भी चाहिए कि नहीं चाहिए, चार होना तभी ह्यूमन जिंदा रह सकता है, यस और नो? दिस इज हाउ वी रियलाइज की न्यूट्रो हार्मोनी, क्या बोलते हैं इसको, ये चारों होना जरूरी है। सो बॉडी माइंड सोल और सब मिलके क्या लाइफ, ये सब इसी एक स्रोत से बने हुए हैं। वी हैव टू रियलाइज ये सब एक हार्मोनी है, क्या वर्ड है, हार्मोनी है। सफरिंग, क्योंकि बेस इश्यू है स्माइल मेडिटेशन और ये सब प्रोसेस हमें क्या करती है, सफरिंग से ऊपर लाती है। अगर हम आप किसी भी व्यवस्था को अगर पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो वी ब्रिंग वॉट सफरिंग। सुख और दुख क्या वर्ड है, क्योंकि आपके शरीर देख रहे हैं आपको जितने वर्ड है बॉडी, आप जब भी इन चीजों को देखते हो किस लेवल पे, केवल कितने आयाम पे, प्लस और आप सफर करते हो, बट आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपके शरीर में भी ट्रायोजन की क्रिया हो रही है। ये शरीर आया है तो सब बोलिए भाई, आएगा आया है तो, और आपको मालूम है कि शरीर बनता है और सफरिंग कब आती है, जब हम क्या नहीं समझ पाते, जब हम समझते हैं कि ये बॉडी भी किसके द्वारा कंट्रोल है, मेरे मन के द्वारा कंट्रोल है, और हम क्या भूल जाते हैं कौन है इसका असली कंट्रोलर, और वो इस बॉडी को चलाने के लिए भी क्या यूज करता है, ट्रायोजन ऑर्डर यूज करता है। तो सफरिंग का मूल आपको पहले समझ में आना चाहिए कि हम सफरिंग क्यों करते हैं, जब तक हमें किसका ज्ञान ना हो, किसका ज्ञान ना हो, पूरी व्यवस्था का ज्ञान ना हो, जब तक हम पूरी अवेयरनेस नहीं लाएंगे तब तक हम क्या करेंगे, सफरिंग। सिंपल विजन ये है कि क्या ये वर्ल्ड वाकई सफरिंग डिजाइन किया गया है या स्माइल डिजाइन किया गया है, इसको हार्मोनी बनाई गई है या डिसहार्मोनी बनाई गई है। ओरिजिनली जिसने भी इसको डिजाइन किया उसने सफरिंग वर्ल्ड बनाया है या परफेक्ट वर्ल्ड बनाया है? अगर कोई चीज ऑर्डरली चल रही है तो परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है? इसका मतलब अगर आपको समझना है तो पहले किसके उद्देश्य को समझना पड़ेगा, जिसने इसे बनाया है, तो फाइनली उसने क्यों बनाया, ये वर्ल्ड क्यों चला रहा है, फाइनल पर्पस समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि ये सब व्यवस्थाएं तो समझ आ रही है, क्या पर्पस है एज ए ह्यूमन बींग, अब आपका रोल क्या है, आपको इस व्यवस्था में तो बैठा दिया, अब आपका पर्पस क्या है, सफरिंग लेना या देना? आप दो ही तो काम ज्यादा कर रहे हो, बोलो क्या कर रहे हो आप, सफरिंग ले रहे हो या? क्योंकि आप जब बोलते हो कि मैं दुखी हूं, ये सब ना चाहे शरीर से, बोलिए भाई, मन से या कोई भी डायमेंशन हो, इफ यू आर सेइंग आई एम सफरिंग, इसका मतलब क्या हुआ, आपका व्यू कैसा है, लिमिटेड और अनलिमिटेड, लिमिटेड और अनलिमिटेड। अगर आप सफर कर रहे हो मतलब आप अवेयर हो या अनअवेयर पर्सन हो, अनअवेयर पर्सन हो, इसका मतलब अगर आप जान जाए कि मेरे शरीर में इस वक्त भी जो सफरिंग है वो भी किसका पार्ट है, बोलो स्माइल का पार्ट है, किसका पार्ट है, मेरी बात को समझेंगे, बोलिए हार्मोनी का पार्ट है, किसका पार्ट है, इसका मतलब आपके शरीर का बनना और शरीर का आपके जीवन में आना और जीवन में, ये किसका पार्ट है, और दिक्कत क्या है, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, यस और नो? क्योंकि जब एक व्यक्ति हमसे टूटता है छूटता है तो क्या आती है, क्या आती है, और हम क्या भूल जाते हैं, क्यों गया, किस लिए गया, और क्या है, सैडनेस है, किसी का आना हमारे लिए जॉय है, किसी का जाना, इसका मतलब हम डिपेंडेंट है या नहीं है, आने और जाने पे डिपेंडेंट, क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इसको चलाने वाला जो स्रोत है उसकी व्यवस्था में ये होना, बोलिए भाई ये होना, आपको सब कुछ अच्छा लगता है बट एक चीज सबसे बुरी लगती है, वो क्या, पाना या खोना, पाना या खोना, इतना बता दो, खोना ज्यादा सबसे दिक्कत देती है, सुनो पहले जरा थोड़े से खोने पे बात कर लें, क्या इस दुनिया में चलने के लिए खोना जरूरी है, नहीं है, क्यों, पर्पस, क्योंकि इस दुनिया को वो क्या कर रहा है, देख रहे हैं आप, कुछ साइक्लिक है नहीं है,
क्यों वो बार-बार वही सेम चीज रिपीट कर रहा है सेम कर रहा है या एक वर्ड है सिमिलर सेम का मतलब होता है आप जहां गए यू बैक टू प्रोग्रेस नो ये वर्ल्ड है प्रोग्रेसिव वर्ल्ड बोलिए वर्ड कौन सा वर्ड प्रोग्रेसिव मतलब ये अगर क्रिया चल रही है तो आज की मॉर्निंग और कल की मॉर्निंग में फर्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए दुखी इंसान के लिए वही मॉर्निंग है बट जिसको मालूम है कि कल की मॉर्निंग और आज की मॉर्निंग में एक साइकिल चली तो है बट वो कहां बढ़ गई आगे बढ़ गई समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ताकि आपको समझ में आ जाए क्योंकि आपके जीवन में आपको सबसे बुरी चीज लगती है डिस्ट्रक्शन क्या बुरा लगता है यस आप जीना चाहते हो ना एग्जिस्टेंस प्रिटी बोलती है सर नो और आप क्या नहीं होना चाहते बोलिए चलो मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए मैं बस 5 मिनट और है अभी इस सेशन में हाँ आप खाना क्यों खाते हो सर आप खाना क्यों खाते हो आप पर्पस क्लियर मालूम होना चाहिए नहीं तो आपके लोकल पर्पस के आंसर बहुत सारे हैं आपके पास क्या है एनर्जी ये लोकल पर्पस है टेस्ट ये लोकल पर्पस है इससे हीलिंग होती है लोकल पर्पस है बोलो फाइनली आपको मालूम है कि नहीं खाऊंगा तो फाइनली ये तय हुआ कि इस जिसने भी अंदर आपके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया उसने आपके अंदर भूख भी बनाई और इतना बता दो ये भूख आपने आके इस दुनिया में आके सीखी किसी ने पढ़ाया था कि ऐसे भूख लगती है या बचपन से भूख सीख के आए थे इसका मतलब जिसने ये सिस्टम बनाया उसने भूख भी बनाई इसका मतलब उसका नाम दिया एग्जिस्टेंस ट्रिक क्या वर्ड है इसका मतलब आपको जीने के लिए खाना इसका मतलब आप क्यों खाते हो इतना बता दो जीने के लिए खाते हो ऊपर वाले ने आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दिया ना यस और नो गलती से उसके प्रोडक्शन सिस्टम में वो एयर बनाना भूल जाता तो क्या हो जाता गलती तो अपने से हो ही जाती है यस और नो तो उसने ये सब चीजें किस लिए बनाई पर्पस बताना चाह रहा हूं आज के जीवन का उद्देश्य है बोलो एग्जिस्टेंस क्या वर्ड है इसका मतलब वो जो बना रहा है उसका मूल चेतना क्या है क्या करना जिसको मैं बनाऊं उसे क्या बना के रखूं अस्तित्व में रखे बट एक वर्ड ऐड कर लो अस्तित्व का मतलब आपने जैसे ही सोचा अस्तित्व मतलब सब अब तो मरने की चांसेस खत्म क्योंकि उसी की दुनिया में बड़ी जोरदार क्रिया चल रही है क्या एग्जिस्टेंस है तो आए हो तो ये क्यों होता मैं इसीलिए एक वर्ड ऐड कर देता हूं हार्मोनियस एग्जिस्टेंस बोलिए वर्ड सब लोग क्या एक वर्ड ऐड करना चाहता बोलो हार्मोनियस क्या वर्ड है हार्मोनियस मतलब बोलो प्रोग्रेसिव बोलो वर्ड क्या है कोई अच्छा करना है तो पुराने वाले को क्या करना पड़ता है ये बिल्डिंग 10 साल पुरानी हो जाएगी तो क्या करेंगे आप बता दो भाई क्या करोगे तुम्हारी बिल्डिंग है ये सर ना वो 10 साल 15 साल हो गए उस कार को चलाते चलाते अब दिन में एक दिन आ गया अब क्या करना है क्या करो इसे कैसे करते हो उस दिन कैसे कार को बेचते हो खुशी से या दुख से उस दिन तो खुशी से बेचते हो जाए तो जाए और ये सर ना ये जब बिल्डिंग टूट रही होती है उस दिन तब दुख होता है या सुख होता है ना दुख होता है लगता सुख जैसा है ये सर ना क्योंकि आप सुख और दुख की परिभाषा जानते हो आपको बीच की परिभाषा से आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है ये सुनो तो आपकी दो ही परिभाषा है सुख या तो जब उस दिन बिल्डिंग टूट रही होती है तो उस दिन तो आपको दुख नहीं हो रहा होता ये सुनो और उल्टा सामने वाले को बड़े खुशी खुशी बोलते हो देखना भाई कोई एक पत्थर गलती से भी नहीं छूट जाए पुराना वाला आप शायद समझ रहे हैं इस दुनिया में अगर हार्मोनियस किसी चीज को बनाए रखना है तो डिस्ट्रक्शन करना बोलिए भाई क्या है पुराना वाला जो है वो समय के अनुसार उसे अपग्रेड करना तो उसे क्या करना पड़ेगा एक्सपांशन किया है तो क्या करना पड़ता है रिदम क्या बोलती है बोलो क्या करती है कॉन्ट्रेक्शन क्या करता है किसी भी चीज को वापस वो वापसी नहीं है वो अगली क्रिया की आयुर्वेद में क्योंकि आपको लौटना तो पड़ेगा आप यहां से जाओगे कि नहीं जाओगे 6 घंटे बाद भी नहीं लौटोगे तो शायद वापस आने के चांसेस नहीं है यस और नो ताकि हम फिर से रिफ्रेश कर सके चीजों को तो सिंपल नियम है अब आपको समझ में आता है आना जाना क्या है तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने इस वर्ल्ड को जो ट्रायोजन से चल रहा है पॉज एक्सपांशन पॉज कॉन्ट्रेक्शन और हम इसमें से केवल दो ही परिधि को जानते हैं वो कौन सी जो हमारे अंदर दो भाषाएं लाता है सुख और जब ये हाथ फैलता है तो आपको सुख आता है और जब ये हाथ लौटता है तो अभी आपको दुख आ रहा था ना क्योंकि खोने की चेतना आपकी लिमिटेड थी और आप भूल गए कि आना और जाना किसका पार्ट है किसका पार्ट है तुम्हारी सोच है उसकी सोच
तुम्हारी प्लानिंग है उसकी प्लानिंग, इसका मतलब ये आना जाना वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो इस दुनिया को कैसे बनाए रखना चाहता है, हार्मोनियस और डिसहार्मोनियस। धन्यवाद, नहीं तो वो तुम्हारे पास्ट वाले बड़े बड़े यस, अगर एनिमल्स पुराने वाले भी होते, सब कुछ होते, तुम्हारे पूर्वज अभी सब बैठे होते इस पृथ्वी पे, तो इस पृथ्वी का क्या होता, यहाँ तुम्हारे पास बैठने की इतनी जगह नहीं होती। यस और नो, इसका मतलब इसकी प्रोसेस में समझना होगा, केवल इतना तो आप समझ लें इस वक्त कि इस दुनिया में सुख भी जरूरी है और प्लस भी जरूरी है, और ये सब आपने पढ़ा है, वेव को चलने के लिए ऊपर भी जाना पड़ता है, और बट प्रॉब्लम कब आती है, जब मैं उस एग्जिस्टेंस स्पिरिट के पर्पस को नहीं समझ पाता हूँ, जिस दिन मैं उस पर ब्लेम करता हूँ। यस और नो, कि तूने दुख बनाया है क्यों, मैं तो केवल क्या चाहता हूँ, सब क्या चाहते हैं, केवल हाथ ऐसा रहे, एक्सपांशन कैसा ना हो, केवल मैं ऐसा होना चाहता हूं, मैं क्या नहीं चाहता। और जिस दिन आपके पास ये आता है, आप सफर कर जाते हो। यस और नो, उल्टा दूसरे भी लोग हैं, ये भी सफरिंग लाता है ना, उल्टा ज्यादा एक्सपांड हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब सुख भी चाहिए, और पर ये सुख और दुख के ऊपर अगर आप समझ लें, परे बियॉन्ड। यस और नो, स्माइल न्यूट्रो, क्या वर्ड हम बोलते हैं इसको, जिसमें चारों होना, जिस दिन जिस व्यक्ति का ये व्यू खुल जाता है, उसी को एनलाइटेड पर्सन कहते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं, वो आदमी क्या हो गया, उसके अलग अलग केवल ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, उसके वेरियस नेम्स हैं, ये सो नो वेरियस माइथोलॉजी में, ये सो नो एनलाइटेड हो गया, वो सब दुखों से क्या हो गया, उसने दुख नहीं दूर किए, क्या हुआ वो, ऐसा तो नहीं कि रामायण महाभारत बनेगा, दिल्ली महाभारत रामायण नहीं हो रही, वो तो आपके घर में आज, वो तो आपके जीवन में, कोई ना कोई आपके जीवन में विलेन है या नहीं है, सब अपने अपने जो विलेन को याद कर लो घर में, तो आप सबसे पहले उसको नमस्कार या दुत्कार, वो डिस्ट्रक्शन ला रहा है तुम्हारे जीवन में, क्यों, क्योंकि पिक्चर में विलेन होना सब मालूम है, उसके बाद भी दिक्कत क्या है, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल है दोस्तों। यस और नो, आज तक जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया, क्योंकि मैंने आज तक उसको एक्टिवेट, मैंने उस व्यू को रियलिटी में एक्टिवेट नहीं किया, और इसके लिए माध्यम है स्माइल मेडिटेशन, इससे आदमी रियलिस्टिक वे में इस चीज को अडॉप्ट करता है, और उस दुनिया में उसके पास वो विल पावर आ जाती है कि वो प्लस को भी सहन कर सकता है, और किसके साथ, कौन सी स्माइल, सोल स्माइल, नहीं तो ऊपर वाला तो दुनिया में रोज देख रहा है, कट भी रहा है और कोई जी भी रहा है। यस और नो, उसके बाद भी हम कहते हैं उसका नाम तो तुमने अभी भी परमानंद कह रखा है। यस और नो, वो हर अव्यवस्था में भी, तो आपके लिए बड़े बड़े बिग बिग प्रश्न है कि वो कैसे स्माइल वर्ल्ड बोल रहे हो आप उसको, आप स्माइल वर्ल्ड बोल रहे हो, बट यहां दुनिया में तो हम क्या देखते हैं, क्या देख रहे हैं, आपको तो दुख और सुख जैसी चीजें दिखाई देती है। यस और नो, इसका मतलब आपके व्यू को अभी और रियलिस्टिक बनाना, आप जो देख रहे हो वो सच है, बट पूरा सच, पूरा सच देखना है तो आपको अपनी कौन सी स्माइल खोलनी पड़ेगी, कौन सी स्माइल खोलनी पड़ेगी, कुछ है जो आपके मन और शरीर के भी परे है, और ये सब पोटेंशियल किसमें है, हम सबके पास वो सोल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, थ्योरेटिकली पहले थ्योरेटिकली होनी चाहिए, क्योंकि जीने के लिए चार होना, इसका मतलब हम सबके पास वो पोटेंशियल है या नहीं है, टेल मी, प्रश्न बहुत बड़ा है बट मैं अभी अभी पूछ लेता हूं, क्या तुम संत बन सकते हो, नहीं बन सकते हो, सर यहां तो कुछ नहीं, हम तो केवल सुजोग के दो तीन पॉइंट सीखने आए थे, अब कहां लग गए सर संत बनने के चक्कर में, व्हाट डू मीन बाय अ सेंट, सेंट इज नथिंग बट अ अवेयर्ड पर्सन, यस और नो, और ह्यूमन बीइंग ही वही प्राणी है दुनिया में, किसकी तुलना में, प्लांट और एनिमल की तुलना में, जिसमें सोल सब में है, बट हु कैन बी मैक्सिमम अवेयर, किसमें ये पोटेंशियल है केवल, कौन इस बात को, मेरे इस लेक्चर को समझ सकता है, आप या वो प्लांट, इसका मतलब आपको अपने जीवन का उद्देश्य भी बहुत समझना बाकी है, क्योंकि आपके जीवन के उद्देश्य दो तीन जगह तक सीमित रह गए, कहां, चार जीवन, बोलो कितने जीवन, ये चार क्यों, ये तो बता दो, बोलो ट्राई, जो चारों जीवन जीना सीख जाए उसका जीवन संपूर्ण होता है, सब चारों जीवन जीते हैं, पहला होता है केवल किसका जीवन, एक होता है स्पिरिचुअल लाइफ, कौन सी लाइफ, दूसरी होती है कि हम अपने रोज सवेरे वाली लाइफ जीते हैं, कौन सी वाली, सेल्फ आउटर लाइफ, कौन सी, वो सवेरे आप सब तैयार होकर आया कि नहीं आया, ठंड हो सकता तो हो सकता नहा के नहीं आए आप लोग, बट आप रोज क्लीनिंग करते हो, शरीर को कुछ ना कुछ करते हो या नहीं करते हो,
Yes or no? Self caring है नहीं आप में? है. अगर ये disharmony हो जाए तो आपको मालूम है क्या होता है? उस व्यक्ति को आप जानते हो. Yes or no? तीसरी life और जी रहे हो आप. अपने परिवार को disharmonize करके आए हैं आप लोग. उसके लिए भी आप participate करते हो. Yes or no? कुछ लोगों का जीवन यहीं आके खत्म हो जाता है. क्यों? मेरी जॉब अच्छी, पैसा आ गया, बच्चों की शादी हो गई, अब घर बैठ के क्या लगता है वाकई आपके जीवन का उद्देश्य इतना सीमित था या और आखिरी जीवन बाकी है? इसे कहते हैं सोशल लाइफ. कौन सी लाइफ? आपको समझ में आता है जो आदमी खिल चुका है उसका अगला पर्पस क्या होता है? एक खिले हुए फ्लावर का पर्पस क्या होता है? उसमें से क्या आती है? जो आदमी एनलाइटेंड हो जाता है, जो अवेयर हो जाता है, जो ब्लॉसम हो जाता है, उसकी खुशबू जब फैलती है तो दूसरे भी आप समझ लें. याद रखिए, खाना पीना सोना नई जनरेशन पैदा करना ये तो वो कौन भी कर रहा है? वो प्लांट भी करता है. आपको मालूम है सब में ये मौलिक इंस्टिंक्ट है. वो एनिमल भी रोज वही काम कर रहा है तो फिर आप में और उसमें फर्क क्या? इसका मतलब आपको मनुष्य बनाने का पर्पस कुछ तो हायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो आपको सबसे पहले अगर वाकई करना है तो पहले सफरिंग से ऊपर आना पड़ेगा, ब्लॉसम होना पड़ेगा और उस खुशबू से शायद मनुष्य ही दूसरों को पार्टिसिपेट. हम ही मनुष्य हैं जो अपने उस चीज को दूसरों तक बात. शायद आप एनलाइटेंड हो जाए तो दूसरों को एनलाइटेंड. इसीलिए सेंट कुछ और नहीं, वो व्यक्ति है जो खुद भी खिला हुआ हो. और तो क्या आप सब ये पोटेंशियल रखते हैं कि रखते हैं? आपके अंदर भी व्यवस्था है या नहीं है? है. करना क्या है? अभी सब कुछ है, पॉइंट है, सब कुछ है, बट उससे होगा क्या जब तक आप उसे? इसीलिए सुजोक में भी और स्माइल मेडिटेशन में भी क्या है? टेक्निक्स हैं. क्या है? मैं आपको ये बता भी दूं, ये लेफ्ट और राइट आई है तो इससे काम ही चलेगा. इसके देखने से समझने से थोड़ी ट्रीटमेंट हो गया. क्या करना पड़ेगा? एक प्रोब आएगी, एक निडल आएगी, एक कलर आएगा. इसी तरह से जो मैंने आपको समझाया आपके अंदर ओरिजिनल स्माइल है, इसीलिए स्माइल मेडिटेशन में भी चार स्टेजेस हैं प्रोफेसर ने दिए. यस और नो? स्वतः के प्रति ओरिजिनल स्माइल, ये सब डिटेल्स हैं. यस और नो?